हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सी बड़ा एक ब्लॉग्स। ठीक है ना गाइस, तो भी आपका भाई है उत्तराखंड का केदारनाथ धाम में। ठीक है, तो गाइस कल में हम लोग यहाँ पर रुके थे रूम लेके। ठीक है, एंड अभी वेशभूषा कुछ इस तरीके से, एंड मेरा वो तो सा ना जंपर वो गाइस जूट कुछ पानी आने की वजह से भी गए। एंड जी हम लोग फिर से अभी मंदिर जा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा फोटो वगैरह क्लिक करेंगे। देखिए गाइस नज़ारा इधर का, देख रहे हो मंदिर, बोले मंदिर गए जी। देखिए वहाँ पर बक्के वाले पहाड़ है। ठीक है ना गाइस, हम लोग आगे बढ़ते हुए एंड यहाँ पर लाइन देखिए गाइस, बहुत ही लंबी लाइन, रात भर यहाँ पर लाइन रहती है गाइस। ठीक है, क्राउड यहाँ पर बहुत ही भीड़ भाड़ लगी हुई रहती है गाइस। महादेव से मिलने के लिए जी बहुत कहाँ कहाँ से दूर दूर से आते हैं आदमी लोग। ठीक है ना गाइस, तो थोड़ा कल में बुखार हो गया था यार, वीकनेस थोड़ा। ठीक है ना गाइस, तो हम लोग बढ़ रहे हैं थोड़ा मंदिर तरफ आगे। नज़ारा बहुत ही सुंदर है गाइस, जल्दी अद्भुत आप लोग को भी दर्शन कराता हूँ, हर हर महादेव। हाँ तो गाइस देखिए सुबह का नज़ारा, टाइम एंड डेट इज गाइस 6:38 हो रहा है। हम लोग 6 बजे रूम से चेकआउट कर लिए। ठीक है ना गाइस, ये रहे मंदिर एंड देखिए ऊपर नज़ारे कुछ एकदम अद्भुत टाइप का है। ठीक है ना गाइस, ये देखिए यहाँ का नज़ारा, ओ माय गॉड दिस इज अ हेवन। ये रहे मंदिर। ठीक है ना गाइस, देखिए इधर पहाड़ है, इधर सारे दुकान है गाइस, साइड साइड में ढेर सारे दुकान है, ऑनलाइन पेमेंट वगैरह हाँ सर लेंगे ना। इन देखिए गाइस इधर दुकान है, ऑनलाइन पेमेंट वगैरह सारा चीज़ हो जाएगी। इन देखिए यहाँ पर माला वगैरह कड़ा वगैरह देखिए यहाँ पर ढेर सारे। ठीक है ना, एंड ये रही जी सुंदर सा स्वीट सा केदारनाथ टेम्पल। ठीक है ना गाइस, हाथ का खराब तो भाई साहब पूरा ही खराब हो गए, क्योंकि यहाँ पानी बहुत ही बर्फ वाला पानी है। ठीक है ना, एंड ये देखिए मंदिर, हम लोग भीमशिला पे जाएंगे गाइस। भीमशिला वही है जो जब 2013 में बाढ़ थी ना गाइस, तो वही बचाया था केदारनाथ धाम, बहुत ही बड़ा एक शिला है, तो वहाँ तक भी जाएंगे गाइस। ये देखिए यहाँ का नज़ारा है सुबह सुबह का, देखिए यहाँ का क्राउड पूरा भीड़ है, बहुत सारा भीड़ भाड़, यहाँ का नज़ारे। देखिए अंदर जाना तो नामुमकिन ही लग रहा है गाइस। ठीक है, यहाँ पर लाइन लगते वही लोग ही जाते हैं, लाइन लगने से गाइस बहुत देर हो जाएगी। ये देखिए ना नज़ारे यहाँ सुंदर टाइप के, देखो। हाँ तो गाइस हम लोग यहाँ पर थोड़ा मोड़ा वाला छोटा मोटा वाला फोटो क्लिक कर लिए। ठीक है गाइस, तो गुरुबाग दीदी ने कही है कि गुरुबाग दीदी ने गाइस गुरुबाग का बेटी, तो दीदी ने कही गुरुबाग का थोड़ा फोटो क्लिक करने के लिए। ठीक है ना गाइस, क्योंकि ये ऐसा जगह है ना, यहाँ पर तो आदमी लोग सिर्फ एक बार आता है गाइस, बहुत ही मेहनत के साथ में। एंड हम लोग कल 23 किलोमीटर ट्रैक है गाइस, नॉन स्टॉप टाइप की, मतलब लिए थोड़ा छोटे मोटे वाले ब्रेक लिए थे हम लोग। ठीक है ना गाइस, तो हालत तो खराब हो गया था, देखिए यहाँ पर पीपल टाइप कुछ निकल गए मेरे। ठीक है ना गाइस, एंड अभी भी यहाँ पर ठंड है, उतना भी ठंड नहीं गाइस, लेकिन हाथ का खराब तो खराब हो गए, हाथ का हालत खराब हो। ठीक है, एंड मंदिर के सामने मैं चल रहा हूँ, ये रहे पीछे मंदिर। ठीक है, एंड सुंदर नज़ारे गाइस यहाँ पर, अद्भुत नज़ारे एंड सुंदर नज़ारे। ठीक है ना गाइस, यहाँ पर भीमशिला भी इधर मैं दिखाऊंगा आप लोगों को कैसा टाइप है गाइस। ठीक, तो गाइस हम लोग ये वाला लोकेशन यहाँ पर भी ले लिए थोड़ा छोटा मोटा वाला फोटो। ठीक है ना गाइस, मैं तो गाइस सबको फोटो क्लिक कर देता हूँ अच्छा, लेकिन गाइस मेरा फोटो क्लिक करने के लिए अच्छा वाला ही आदमी लिए गाइस, दुख लगता है दिल से एंड बुरा लगता है गाइस। तो अभी हम लोग भीमशिला में जा रहे हैं। ठीक है गाइस, चलिए यहाँ का थोड़ा सा बनावट दिखाता हूँ आप लोगों को कैसा टाइप है। तो गाइस ये रहे इधर से, ठीक है, ये बाबा जी लोग बैठे हुए, एंड ये देखिए यहाँ का केदारनाथ मंदिर का। ठीक है ना गाइस, ये देखिए ये द्वार ऐसा टाइप का, एंड देखिए उधर में बर्फ से जमी हुई। ठीक है, देखिए इधर में गाइस वहाँ पर घंटी भी बहुत बड़ी। ठीक है ना गाइस, तो गाइस इधर में देखिए कुछ सभी लोग ध्यान में बैठते हुए गाइस, एंड यहाँ पर चंदन टीका वगैरह सब तरफ लगा रहे गाइस। ठीक है ना, एंड चलिए इधर नज़ारा ऐसे टाइप है गाइस, ये देखिए देख रहे ना आप लोग, ये रे पीछे का नज़ारा। ठीक है गाइस, बहुत ही सुंदर टाइप का नज़ारा है इधर में, एंड देखिए इधर में सारे बाबा जी लोग भी बैठे हुए। ठीक है गाइस, ये देखिए इन देखिए यहाँ पर भी भोलेनाथ का। ठीक है ना गाइस, ये देखो तुम ना माथे, ये देखिए गाइस यहाँ पर भी ऐसा टाइप का है। ठीक है, यहाँ पर बाबा जी लोग बैठे हुए हर हर महादेव बोलते हुए। ठीक है, 40 बाबा जी लोग भी चश्मा वगैरह लगाए हर हर महादेव। तो गाइस चलिए अब थोड़ा भीमशिला के वहाँ जाते हैं, थोड़ा दर्शन करते गाइस। हाँ तो गाइस आगे बढ़ते बढ़ते चढ़ते चढ़ते
ये रहे भीमशिला, ठीक है गाइस, भीमशिला कहा जाता है इसे। इन्होंने गाइस 2013 में जब फ्लड हुआ था, बाढ़ आया था ना, तो ये बहुत बड़ा सा पत्थर पूरा मंदिर को रोक दिया था यहाँ से, ठीक है गाइस। यहाँ पर देखिए तो गाइस मैंने यहाँ पर चंद्रन टीका लगा लिया महादेव टाइप पर, ठीक है गाइस, वहाँ पर गुरुवाने में भी लगा लिया है केदारनाथ मंदिर, यही है गाइस भीमशिला, ठीक है, ये बहुत बड़े वाले जो दिखते हैं ये भीमशिला गाइस। ये 2013 में जब फ्लड हुआ था ना, तो ये इन्होंने केदारनाथ मंदिर पूरा ओवरऑल बचा दिया, ठीक है ना गाइस। बहुत ही अद्भुत है यहाँ भीमशिला एंड बहुत सुंदर लगता है यहाँ पर आने से गाइस। आप लोग भी आएगा हर हर महादेव। इधर हम देखिए कुछ ऐसा टाइप लाउड, ठीक है, बहुत ही क्राउड यहाँ पर भीड़ रहता है, ठीक है, सुबह सुबह में इतना भीड़ यार, रात भर यहाँ पर भीड़ रहता है, ठीक है गाइस। ये रहा हमारा बाबा जी, ठीक है, चल ले चंदन टीका वगैरह लगाते हुए सभी लोग भीमशिला में देखने के लिए जा रहे गाइस। एंड चलो नीचे उतरते हैं थोड़ा सा एंड हम लोग को मैन यहाँ पर डॉगी, यहाँ पर साफ सफाई करने वाले कर्मचारी गाइस, जय भोले हर हर महादेव। चले गाइस चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये रहे इसका लेफ्ट साइड वाले, ठीक है, पार्ट्स। एंड देखिए इधर में पूरा भीड़ भाड़ गाइस, हम लोग थोड़ा अंदर जाने नहीं सके यार, वहाँ पर जा रहे थे तो पुलिस वाले ने रोक दिया हम लोग को गाइस, ठीक है, अंदर जाने के लिए रोक दिया है, ठीक है, वहाँ पर हमारे ग्रुप लोग सभी लोग हैं। देखिए इधर में ऐसा नज़ारा टाइप का, देखिए यहाँ पर महादेव जी का मंदिर, केदारनाथ बाबा केदारनाथ जी, ठीक है, इसी को देखने के लिए गाइस बहुत दूर दूर से आए। चले गाइस हाँ गाइस जी, देखिए कुछ इस तरीके से मंदिर यहाँ पर दिखाई देते हैं, हम लोग बीच में जो फोटो यहाँ पर क्लिक किया था ना, वही वाले स्थान पहुँचे गाइस। ये रहे ओवरऑल मंदिर एक नंबर की, हर हर महादेव जी एंड सभी लोग यहाँ पर फोटो वगैरह क्लिक कराते हुए, ठीक है। एंड पीछे है जी बर्फ से बर्फ पहाड़ है एंड इधर में देखिए हरे भरे नज़ारे एंड वहाँ पर बह रही है जी झरना, ये रही जी, ठीक है गाइस जी। देखिए यहाँ पर खूबसूरत केदारनाथ धाम, हर हर महादेव गाइस जी, ठीक है। एंड इधर में देखिए ऐसा टाइप का नज़ारा यहाँ का, अलाउड बहुत भीड़। हाँ तो गाइस हम लोग वहाँ पर फाइनली फोटो वगैरह क्लिक करा लिए, ठीक है गाइस। एंड अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा कुछ कुछ खरीदने के लिए मंदिर, वो तो केदारनाथ वाली टेम्पल होती है ना बड़ी टाइप वाली, यहाँ पर बहुत ही ढेर सारे दाम बोल रहे, ठीक है गाइस, हजार रुपये बोल रही है गाइस, बड़ी बहुत दाम बोल दिया यार, हजार रुपये बोल दिया। तो हम लोग ने सोचा कि अभी सोनप्रयाग में मिलता है वहाँ पर, ठीक है नीचे, तो गाइस सोनप्रयाग में जाएंगे, वहाँ पर जाके गाइस मिल जाएगी थोड़ी सस्ती वाली टाइप, तो वहाँ से केदारनाथ धाम में लेके जाऊँगा आज, केदारनाथ धाम बोलते हैं गाइस, केदारनाथ मंदिर लेके जाना है मुझे, मेरा सपना है गाइस यहाँ पर आया था तो कुछ ऐसा नहीं लेके जाना है, ठीक है ना गाइस। चलिए अब एटीएम जाते हैं, वहाँ से कुछ कैश वगैरह निकालते हैं गाइस, ठीक है। यहाँ पर तो इंटरनेट का कनेक्शन बहुत ही ख़राब है यार, इंटरनेट चलता ही नहीं है, बहुत ही कम नेटवर्क रहता है गाइस, ठीक है। यहाँ पर तो अभी एटीएम जाएंगे, एटीएम से कुछ पैसे निकालेंगे एंड तीन मंदिर हम लोग, तो अभी हम लोग घोड़ा बीट जाना पड़ेगा गाइस, क्योंकि कल पूरा ट्रैक कर थक गए, ठीक है ना, पैर का हालत पूरा एकदम ख़राब हो गया एंड गाइस अभी हम लोग जाएंगे एटीएम। चलिए गाइस गाइस देखिए लाइन कितनी लंबी है, ठीक है, सुबह सुबह लाइन गाइस बहुत ही लंबी हो जाती है यहाँ का। आपकी यात्रा सुखद है केदारनाथ, ठीक है, उत्तराखंड के द्वारा। एंड यहाँ पर देखिए इस तरीके से बह रहा है पानी गाइस, जय भोले जय बोले जय बोले कहते हुए गाइस हम लोग बढ़ते आगे। लाइन बहुत ही लंबी है गाइस यहाँ का, बहुत लंबी लाइन, माय गॉड, यहाँ की लाइन देखिए पहाड़ों के साइड में गाइस, ठीक है, बहुत सुंदर एंड अद्भुत नज़ारे हैं यहाँ के, देखिए। एंड हम लोग अभी जा रहे हैं एटीएम में, एटीएम एचडीएफसी बैंक का वहाँ पर दिख चुका है, ठीक है गाइस, तो हम लोग जाएंगे वहाँ पर अभी, ठीक है ना गाइस। यहाँ पर देखिए ऐसा टाइप का बहुत ही लंबी लाइन लगी चुकी है, यस, ठीक है जी। इधर में देखिए एटीएम है, ठीक है, एचडीएफसी बैंक, लेकिन भाई खुला नहीं है भाई एटीएम, ठीक है, देखो ऐसा है नज़ारा यहाँ का। एंड पहाड़ों के साइड में लाइन बहुत लंबी गाइस, ये जो लाइन है ना, देखो ऊपर में भी लाइन लगते हुए एंड मंदिर तक वहाँ पर, ठीक है। एंड देखिए यहाँ का ओवरऑल नज़ारे ऐसा टाइप का पहाड़ है, ओह माय गॉड, बहुत सुंदर एंड अद्भुत नज़ारे गाइस यहाँ के। चले अब एटीएम ढूंढते हैं, वो रही एचडीएफसी बैंक का एटीएम, ठीक है, लेकिन वो बंद है गाइस अभी, केस देने के कारण दिमाग खराब हो जा रहा है गाइस, ठीक है। यहाँ पर इंटरनेट का भी कुछ कनेक्शन नहीं होगा, जो गूगल पे फोन पे वगैरह कुछ नहीं चलता है यहाँ पर। यहाँ पर ये रही हेलीपैड, ठीक है, यहाँ पर हेलीकॉप्टर से लाया जाता है, सबसे सस्ता मिलता है हेलीकॉप्टर टिकट गाइस, ठीक है, ऑनलाइन टिकट पहले से, ठीक है, देखिए नज़ारे। गाइस
एंड हेलीपैड यही है गाइस, यहाँ पर हेलीकॉप्टर वगैरह उतरते हैं। ठीक है गाइस, इस टाइम से टाटा बाय बाय केदारनाथ मंदिर को। ठीक है गाइस, अभी हम लोग को एटीएम नहीं मिल रहा है, केस न होने कारण दिमाग खराब हो जा रहा है गाइस। ठीक है, केस नहीं है ना, हम लोग घोड़ा से उतरना है। अगर हम लोग अभी उतरेंगे ना यहाँ से तो गाइस शाम हो जाएगी। ठीक है, बहुत ही लंबी ट्रैकिंग है यहाँ की, तो अभी ढूंढना पड़ेगा एटीएम इधर में कहाँ पर रहता है। एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह कुछ लग जाएगा होगा शायद, तो देख के ही कुछ केस वगैरह निकालना पड़ेगा। उसके बाद गाइस जाएंगे नीचे केदारनाथ मंदिर है ना, वहाँ पर, वहाँ से हम लोग बहुत नीचे उतर चुके हैं। ठीक है, देखिए इधर नज़ारा ऐसे टाइप का है, ये टावर लगाया गया है लेकिन काम करने है गाइस, इंटरनेट वगैरह कुछ चलता ही नहीं यहाँ पर जियो सिम पर। ठीक है, ये देखिए टेंट इधर में ऐसा टाइप का टेंट है। ठीक है, एंड यहाँ का सुंदर अद्भुत नज़ारा है, देखते हुए इधर में टेंट लगाया जाता है। ठीक है गाइस, ये शानदार टेंट यहाँ पर, एंड गाय गौ माता है देखिए इधर में घास खाते हुए, एंड हेलीकॉप्टर तो यार बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। जी गाइस, हम लोग ब्रेकफास्ट कर लिए, मैगी खाए हम लोग ने। ठीक है ना, मैगी का दाम था जी 60 रुपये, एंड अभी हम लोग जी घोड़ावड़ी में, घोड़ावड़ी इसको बोला जाता है घोड़े का स्टेशन जी, यहाँ पर ढेर सारे घोड़े मिलेंगे आपको, यहीं से ही घोड़ा का टिकट पर्ची काटना होगा। ठीक है, और ऐसा टाइप का कुछ लाइसेंस मिलेगा आपको गाइस। ठीक है ना, और हम लोग का जी नीचे उतरने के लिए 1700 रुपये लग रहे, नीचे उतरने के लिए जी थोड़ा कम पैसे लगते हैं। ठीक है ना जी, घोड़ा में ट्रैवल कीजिएगा सबसे अच्छा बढ़िया होगा जी। ठीक है ना, एंड इधर में देखिए ऐसा टाइप नज़ारा है जी। ठीक है नज़ारा, एंड जी अभी घोड़ा में हम लोग जाएंगे। क्या जी, हम लोग फाइनली घोड़ा नहीं, ये खच्चर है। ठीक है ना, खच्चर बोलते हैं उसमें बैठ गए, हमारा भाई बैठ गया है गाइस, देख लो। एंड हमारे गुरु भी आ रहे हैं यहाँ से जी, 1700 रुपये लग रहे हैं नीचे उतरने के लिए। ठीक है, तो अभी जी हम लोग का अभी लगभग 4-4.5 घंटा लगेगा नीचे उतरने के लिए। चले गए जी, डायरेक्ट चिंता है नीचे उतर। क्या जी, लगभग 1:30 बज चुके हैं। ठीक है, एंड हम लोग गौरीकुंड पहुँच चुके हैं खच्चर से। ठीक है ना गाइस, एंड केस नहीं होने कारण यार बहुत दुखी मिला। ठीक है, एक घोड़े 1700 रुपये का लगा यार, 5100 रुपये हुआ, मात्र हम लोग पास सिर्फ 1500 रुपये था गाइस। ठीक है ना, तो इधर में गूगल पे फोन पे वगैरह दुकान में कैश मिलता है, तो वहाँ से मैंने 4000 रुपये निकाला गाइस। ठीक है, 4000 में यार वो लोग 200 रुपये ज़्यादा ले लिया गाइस, 4200 रुपये ले लिया, तो बहुत दुख लगता है ना भाई, बहुत लूटते हैं यार यहाँ पर ऐसे में। ठीक है ना, तो आप लोग से कहना चाहता हूँ, आप लोग फुल बताऊँगा यार क्या करना है, पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा बोल के। ठीक है ना गाइस, जल्दी बने रहेगा।